भाई गौरी कुंड अभी कितना दूर है? दूर है। दूर है क्या? अच्छा ये हमारे बुजुर्ग साहब हैं। ये नहीं रास्ता ड्राइवर साहब। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। यही है, चलो सीधे। ये हमारे सुनील भाई साहब हैं। हाँ ये भी आने चाहिए वीडियो में। सब लोग आगरा के हो आप लोग? हाँ जी आगरा के। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप कहाँ से दादा? आप भी आगरा के हो? अच्छा तो ये देखिए ये गौरीकुंड है और मैक्सिमम लोग जो है यहीं पे स्नान कर रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पे कितने छोटे छोटे बैल हमें देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए स्वागत है फिर से आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी इस समय हम लोग हैं उत्तराखंड में और हम लोग चल रहे हैं बाबा केदारनाथ का जो है दर्शन करने। तो अभी हम लोग आ गए हैं जो है हरिद्वार से, थोड़ा एक घंटे का जो है सफर करके आ गए हैं आगे। और यहाँ पे अपनी बस रुकी हुई है, सब लोग जो है चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ कर रहे हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग हरिद्वार से आते हो बस करते हो तो इसका जो प्राइस है 700 पर पर्सन वाला बस है, इसी वाले बस से हम लोग जा रहे हैं। जो है सुबह 5 बजे वहाँ से निकल चुके थे हरिद्वार से, तो यहाँ पे आए हैं तो ऐसा जो है धूप वगैरह हो गया, तो बाकी रात था इसीलिए हम लोगों ने ब्लॉग नहीं शूट किया। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो है गवर्नमेंट बस नहीं चल रही है हरिद्वार से, वो अगर मिलती तो जो है 400-500 में हो जाता, बाकी ये प्राइवेट बस है तो ये वाले थोड़ा महंगा पड़ रही है। और गवर्नमेंट बस जो हमने पता किया था वो जो है ऋषिकेश से चल रही है, यहाँ से हरिद्वार से नहीं चल रही है। अगर आप लोग जो है सुबह सुबह आते हो यहाँ हरिद्वार में, तो अगर आप लोग सुबह सुबह बस वगैरह बुक करते हो तो जो है थोड़ा कम प्राइस मिल जाएगा, बाकी जैसे जैसे शाम होता जाएगा इसका प्राइस भी बढ़ता जाता है। अगर आप लोग शाम को 9-10 बजे करते हो तो जो है 1000 के पास ही जो है हमें टिकट मिलेगा, बाकी सुबह सुबह अगर आप लोग करते हो तो हमें चीप प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक ऐसा नदी बह रही है और अपनी जो है बस जो है उधर से ऐसे 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 जो है ऊंचाई पर से आती है। बाकी ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे जो है ये ऐसा जीप भी चलती है, तो इससे भी लोग सफ़र करते हैं। बाकी ये है अपनी बस, इससे हम लोग चल रहे हैं हिमगिरी करके है। और इधर का व्यू आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त है, और ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जो है फाइनली आ गए हैं सोन प्रयाग में, और यहाँ पे आने तक का जो है 9.5 घंटे लगा पूरा। 5 बजे वहाँ से हम लोग निकले थे और यहाँ पे आते आते जो है 2:30 बज गए हैं। बाकी हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रास्ते का आप लोग को हम लोगों ने दिखाया। बाकी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ये है पूरा गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। यहाँ पे देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हैं, बस वगैरह सब कुछ यहाँ पे पार्क है। बाकी उधर एक ऐसा झरना है, आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। बाकी इधर अभी हमें आगे ऐसे जो है ऊपर पहाड़ी पे चलना होगा, तो अभी हम लोग चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, और आगे चल रहे हैं अभी हम लोग, आप लोग को और अच्छा अच्छा व्यू आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए भगवान शिव शंकर का नाम लेके अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग को जो है ट्रैकिंग करके जाना है पूरा यहाँ से लेके जो है कुंड और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे, तो हम लोग जो है ट्रैकिंग करके जाने वाले हैं और बाबा का दर्शन करेंगे। तो चलिए बोलिए हर हर महादेव। और यहाँ पे देखिए एक झरना बह रहा है और इसकी आवाज़ जो है आ रही होगी आप लोग को, ये देखिए। और यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है। ये ऐसे यहाँ पे कितने छोटे छोटे बैल हमें देखने को मिल जाएंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग आते हैं ना तो अपने घर से जो है गर्म कपड़ा वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं जो है रात में जो है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो इसलिए जो है अपने घर से आप लोग जो है चादर वगैरह या फिर अपना स्वेटर वगैरह यहाँ पे आते हैं तो लेके आए। बाकी और यहाँ पे जो है हम लोग ड्राई फ्रूट ज़्यादा यूज़ करें, जैसे केला सेब ये भी यहाँ पे काफ़ी महंगा है, तो आप लोग जो है अगर हरिद्वार से आते हो तो वहाँ से ले आ सकते हो, वहाँ से जो है सस्ता मिलता है। यहाँ पे जो है काफ़ी महंगा मिलता है, 1 किलो जो है सेब यहाँ पे
200 रुपया ऐसा दे रहे हैं, बाकी आप लोग वहीं से ला सकते हो। तो ये पूरा है सोनप्रयाग और इधर से हम लोग आते हैं और यहाँ पे ऐसे जो है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं ऐसा जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकी हम दो पुलिस वालों से पता किया तो लोग बोल रहे थे कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी ये फ्री था इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिए। और यहाँ पे देखिए ऐसा जो है लाठी डंडा अभी यहाँ पे मिल रहा है, ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए ले सकते हैं हम लोग। बाकी इधर से अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। बाकी इस नदी को देखिए बह रही है और ये इधर से बहते हुई है और इधर जो है नीचे जा रही है, बाकी वहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेल्फी वगैरह निकाल रहे हैं अपना। तो ये सब ब्रिज है और ब्रिज से अभी हम लोग चल रहे हैं और इधर अभी हम लोग ने जो देखा नदी वो वाली नदी बह रही है, बाकी देखिए कितने सारे लोग आ जा रहे हैं और अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। और अभी हम लोग सोच रहे हैं गौरीकुंड में पहुँच के थोड़ा रेस्ट वगैरह लेंगे, तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे उसके बाद रेस्ट वगैरह लेंगे। बाकी ये देखिए घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग को जो है ये जीप मिल गई है और गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर है और लग रहा है पर पर्सन 50 रुपीज़। तो अभी हम लोग इस जीप से चल रहे हैं और यहाँ से देखिए ये यहाँ से लोग जो है जीप से जा रहे हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं जीप से। तो ये अपने भाई लोग भी हैं, भाई आप लोग कहाँ से हो? अभी आप लोग भी दर्शन करने चल रहे हैं ना, और एक बार दर्शन हो गया आपका? पहले बार पहली बार है, तो अपना भी पहली बार है, भाई लोग का भी पहली बार है, चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हम लोग का। तो ये ब्रिज है, इससे जैसे आप लोग थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे देखिए ये जीप का स्टॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारी जीपें ऐसा लगा होती हैं, यहीं से आप लोग को मिल जाएंगी। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ से अपने जो है जर्नी स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए केदारनाथ 16 किलोमीटर है और ये है पैदल मार्ग के लिए, इधर से हम लोग चलेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। भाई गौरीकुंड अभी कितना दूर है? अभी दूर है। दूर है क्या? अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग के साहब हैं, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, यही है, चलो सीधे। ये हमारे सुनील भाई साहब हैं, ये भी आने चाहिए वीडियो में। सब लोग आगरा के हो आप लोग? हाँ जी, आगरा के ही। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद, बढ़िया। हर हर महादेव। भाई साहब इन बच्चों को ले लो, ये सब अपनी बच्ची हैं। अच्छा, सबका ले लो इनका। कौन सा आपका चैनल, कौन सा? हर हर महादेव। और यात्रा अपनी जारी है भाई। हर हर महादेव। आप कहाँ से दादा? आप भी आगरा के हो? अच्छा, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जहाँ पे गौरीकुंड है और यहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी निकलता है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे हमें जो दर्शन करने से पहले एक बार स्नान करके उसके बाद ही जो आगे का चढ़ाई करना चाहिए, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को और हम भी थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे। बाकी इधर से पीछे में जाना पड़ेगा, तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। ये देखिए
ये देखिए इधर से जो है हम इधर जो हम ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं बाबा का दर्शन करने, बाकी इधर से ऐसा एक सीढ़ी आया है तो इधर से हमें ऐसा स्ट्रेट जाना पड़ेगा आगे। अभी हमें लोग आगे चल रहे हैं, तो इधर से हम लोग आगे चल रहे हैं और आगे भी काफ़ी सारे लोग हमें दिख रहे हैं। तो ये देखिए ये गौरीकुंड है और मैक्सिमम लोग जो है यहीं पे स्नान कर रहे हैं। तो ये देखिए और यहाँ ऐसा गर्म पानी आता है ना, तो इसीलिए जो है सब लोग यहीं पे नहाते हैं। और यहाँ से स्नान करने के बाद लोग जो है आगे भोले बाबा का जो है दर्शन करने के लिए आगे ट्रेकिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बाकी इधर जो है लेडीज़ का है और इधर जो है एक ऐसा नदी बह रही है, लेकिन इसका पानी काफ़ी ठंडा है तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं नहा रहा है। और अभी हम लोग को जो है उधर से ऐसे ऊपर से होते हुए अभी जो हम लोग को काफ़ी ऊपर तक चढ़ाई करना है, लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके हम लोग को ऊपर चढ़ना होगा। और ये पानी इतना हीट है ना, तो हीट की वजह से ऐसा देखिए बुलबुले निकल रहे हैं, तो काफ़ी हीट पानी। अभी मैं उधर गया था नीचे देख के आया हूँ, पूरा काफ़ी हीट है ये पानी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं और अभी हम लोग जो है छोटे छोटे ब्लॉग करने वाले हैं और अब जो है अपना हरिद्वार से लेके गौरीकुंड तक हम लोग ने पूरा ब्लॉग यहाँ तक शूट किया है और अगला जो है यहाँ से गौरीकुंड से लेके बाबा केदारनाथ के मंदिर तक हम लोग ब्लॉग शूट करेंगे। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और बोलिए हर हर महादेव।